एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का लेक्चर नंबर 8 और अभी हम पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो आज केमिकल प्रॉपर्टीज के अंडर हम पढ़ेंगे रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तैयार हैं आप? तो कॉपी और पेन निकालें, नोट्स बनाना स्टार्ट करें। यस, माय नेम इज अलख पांडे एंड दिस इज योर प्यारा सा चैनल फिजिक्स वाला। तो आओ भाई हेडिंग लगाओ, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। बच्चों, एल्डिहाइड और कीटोन के रिडक्शन से आपको अल्कोहल भी मिल सकता है और आपको एल्केन भी मिल सकता है। डिपेंड करेगा कि आपने कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट चूज किया है। जरा देखिए, हम लिखते हैं, यहां पे हमने लिख लिया एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, सब रिड्यूसिंग एजेंट का खेल है। यहां पे मान लो हमने रिड्यूसिंग एजेंट लिया हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल और प्लैटिनम और पलेडियम, या हमने रिड्यूसिंग एजेंट लिया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, या हमने लिया सोडियम बोरॉन हाइड्राइड NaBH4, या हमने लिया सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। ध्यान से देख लो, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और प्लैटिनम और पैलेडियम, LiAlH4, NaBH4, Na इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। अगर आप इनमें से कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज करोगे तो एल्डिहाइड्स और कीटोन रिड्यूस होके अल्कोहल बन जाएगा। अभी इसके बाद एक एक रिएजेंट को लेंगे, एक एक से अल्कोहल बनाएंगे, डिटेल में मैकेनिज्म भी समझाएंगे, पर पहले समरी पकड़ो कि ये रिएजेंट से अल्कोहल बनता है। अच्छा, मान लो आपने रिएजेंट लिया जिंक एमलगम मरकरी इन द प्रेजेंस ऑफ कंसेंट्रेटेड HCl। फेमस रिएक्शन है, इसका नाम है क्लेमेंसन रिडक्शन। या आपने NH2 पिछले लेक्चर में इसका नाम बताया था हाइड्राजीन, NH2 हाइड्राजीन इन द प्रेजेंस ऑफ KOH एंड ग्लाइकॉल, ये आपने लिया, ये भी एक फेमस रिएक्शन है, नाम है वुल्फ किशनर रिडक्शन। तो आपने क्लेमेंसन रिडक्शन कराया जिंक एमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ कंसेंट्रेटेड HCl, या आपने वुल्फ किशनर रिडक्शन कराया हाइड्राजीन इन द प्रेजेंस ऑफ KOH एंड ग्लाइकॉल, या आपने HI इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस लिया। इनमें से कोई भी एक रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे तो आपको मिलेगा एल्केन। अभी इसको भी हम एक एक करके डिटेल में बताने वाले हैं। अब कमाल की बात यह है कि ये सारे रिएक्शंस आप मेरे से पढ़ चुके हो। अल्कोहल्स चैप्टर के अंदर प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में ये सारे मेथड हम आपको इन डिटेल बता चुके हैं। तो इसके बाद हम वही वीडियो कंपाइल कर देंगे, जिन बच्चों ने नहीं देखा देख लेंगे। ये आपने पढ़ा था क्लास 11th में हाइड्रोकार्बन्स में, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन फ्रॉम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, क्लेमेंसन रिडक्शन, वुल्फ किशनर रिडक्शन, NHI इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। सर हमने नहीं देखा, कोई बात नहीं, इनके बाद हम इसको कंपाइल कर देंगे। तो जिन बच्चों को ये आता है, अल्कोहल्स देख रखा है, वो और आगे जाए, इन मेथड्स को ढूंढें, ठीक है। इन डिटेल मैकेनिज्म, जितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं सब समझाया, और जिन्होंने पढ़ रखा है इतनी समरी उठाओ, कॉपी बंद करो, वीडियो बंद करो, ठीक है। ऑफ अल्कोहल्स फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स, और कार्बोनिल कंपाउंड्स में हमने क्या क्या लेना है, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, और इनका क्या करना है, बाय रिडक्शन। इनका क्या करना है, रिडक्शन, एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन कर दो, अल्कोहल मिल जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं एग्जांपल लेके। सबसे पहले एक कार्बन का एल्डिहाइड बनाते हैं HCl
डबल बॉन्ड ओ एच, सब पहचानते हैं इसको, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड नहीं जानते हो तो आज जान लो फॉर्मल्डिहाइड। आईयूपीएसी नेम लिखोगे तो मेथ सिंगल बॉन्ड है एन और एल्डिहाइड के लिए यूज करते हैं अल, तो आईयूपीएसी नेम लिखोगे तो मेथेनल, बट इसका कॉमन नेम बहुत फेमस है, एग्जाम में भी फॉर्मल्डिहाइड ही लिख के आए। अब इस HC डबल बॉन्ड OH को हम रिड्यूस करेंगे, देखो किससे, या तो हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और प्लैटिनम और पलेडियम, या तो ये कैटलिस्ट ले लो, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और प्लैटिनम और पलेडियम एट हाई टेम्परेचर करीब 200 डिग्री सेल्सियस के आसपास, या तो आप रिएजेंट उठा लो LiAlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, या तो आप रिएजेंट उठा लो NaBH4 सोडियम बोरॉन हाइड्राइड, सभी इसको रिड्यूस करेंगे, क्या बनेगा इससे अल्कोहल, देखो कैसे, ये जो भी है ये सब का काम है इसको दो हाइड्रोजन के एटम देना, कितने, दो हाइड्रोजन के एटम देना, ध्यान से सुनो, ये वाला बॉन्ड तोड़ दो, एक हाइड्रोजन यहां जोड़ दो, क्या बनेगा CH3OH, बोलो बनेगा कि नहीं, ये बॉन्ड तोड़ दो एक एच इस पे और एक एच इस पे, कार्बन पे कितने एच हो गए तीन, ऑक्सीजन पे एक, क्या बन गया मिथेनॉल बन गया, मिथेनॉल बन गया, ये कैसा अल्कोहल है जरा ये बताना, डिग्री वाइज 1 डिग्री की 2 डिग्री, 1 डिग्री है OH जिस कार्बन से जुड़ा वो किसी कार्बन से नहीं जुड़ा, तो 1 डिग्री अल्कोहल की प्राप्ति हो गई जब हमने रिडक्शन किया फॉर्मल्डिहाइड का। क्लियर है सबको, क्या देना है दो हाइड्रोजन के एटम, इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। जरा हम दूसरा एल्डिहाइड लेते हैं, दो कार्बन का एल्डिहाइड CH3C डबल बॉन्ड OH, नाम एसीटल्डिहाइड, इसी नाम से जाना जाता है जुर्म की दुनिया में, ये ऑर्गेनिक की दुनिया में एसीटल्डिहाइड। आईयूपीएसी नेम दो कार्बन एथ सिंगल बॉन्ड एन और अल लगा दो इथेनल, यहां पे भी आप दो हाइड्रोजन के एटम इसको दे दो, कैसे देंगे, इनमें से कोई भी आके सेंटा क्लॉस की तरह इसको हाइड्रोजन के एटम दे जाएगा, इनमें से कुछ भी यूज किया, ये बॉन्ड टूटा एक हाइड्रोजन यहां एक यहां, बोलो क्या बना CH3CH2OH, भाई एक हाइड्रोजन इस पे लगा एक हाइड्रोजन इस पे, ये CH2OH क्या बन गया इथेनॉल बन गया। इथेनॉल कैसा अल्कोहल है सर, इथेनॉल भी 1 डिग्री है क्योंकि OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो 1 डिग्री अल्कोहल है ना, OH जिस कार्बन से जुड़ा हो, अगर वो किसी कार्बन से ना जुड़ा हो तो भी 1 डिग्री, एक से जुड़ा हो तो भी 1 डिग्री। अब जरा हम कीटोन ले लेते हैं, तो सबसे पहला मेंबर कीटोन फैमिली का CH3C डबल बॉन्ड OCH3, आईयूपीएसी नेम छोड़ो कॉमन नेम पकड़ो एसीटोन, आईयूपीएसी भी लिख सकते हो, तीन कार्बन प्रॉप सिंगल बॉन्ड एन और कीटोन के लिए आईयूपीएक में सेकेंडरी सफिक्स होता है ओन, तो प्रोपेनोन, प्रोपेनोन को भी दो हाइड्रोजन के एटम देंगे, कौन देगा यही लोग आएंगे सेंटा क्लॉस बनकर दो हाइड्रोजन के एटम देके चले जाएंगे, एक एच इस ऑक्सीजन पे एक एच इस कार्बन पे CH3CH CH3OH, प्रोपेन टू ऑल, ये कैसा अल्कोहल है 2 डिग्री अल्कोहल है, OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन दो कार्बन से जुड़ा है 2 डिग्री अल्कोहल है यार, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं ले सकते भाई, इससे ज्यादा क्या कर सकते हो, आपने एल्डिहाइड मिले लिया एसिटल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड कीटोन सब आपने ट्राई कर लिया, तो इस मेथड की लिमिटेशन ये है बच्चों कि यहां से 1 डिग्री अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल तो मिल सकता है बट 3 डिग्री अल्कोहल कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, 3 डिग्री अल्कोहल कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। मैं ये नहीं कह रहा कि एल्डिहाइड और कीटोन से 3 डिग्री अल्कोहल कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बट इस मेथड से कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, नोट करें इसको पॉज करके, रिएजेंट ये सारे यूज कर सकते हैं, सभी का एक काम है दो हाइड्रोजन एटम को दे देना। एक चीज और सुनो, जब ये यूज करते हैं तो ऐसे ही यूज नहीं करते, साथ में ईथर लगाते हैं और उसके बाद एसिडिक हाइड्रोलिसिस भी करते हैं इसमें भी और इसमें भी, ईथर हम लगाते हैं अपना एक सॉल्वेंट के लिए और बाद में हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस H+ इन द प्रेजेंस ऑफ H2O या कई बार H3O+ लिखा होगा, एक ही बात होगी, या H+ इन द प्रेजेंस ऑफ HCl लिखा हो,
एसिडिक हाइड्रोलिसिस H+ देना है, ठीक है, नोट करें इसको। हाँ भाई, दो हाइड्रोजन देने होते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन का काम तमाम हो गया, अल्कोहल बन जाता है, डबल बॉन्ड तोड़ के एक हाइड्रोजन यहाँ एक यहाँ जोड़ दो, डबल बॉन्ड तोड़ के एक हाइड्रोजन यहाँ एक यहाँ जोड़ दो, डबल बॉन्ड तोड़ के एक हाइड्रोजन यहाँ एक यहाँ जोड़ दो, नोट कर लिया। बात करें मैकेनिज्म की, मिटा रहे इसको, मिटा रहे, ओके। रात का समय झूमे चंद्रमा, तो इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो सबसे पहले हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल वगैरह की बात कर लेते हैं, मैकेनिज्म मचाते हैं, आइए लेट्स मचाओ द मैकेनिज्म। मैकेनिज्म की बात करें, सबसे पहले हम ले लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और प्लैटिनम और पलेडियम, ठीक है, करीब 200 डिग्री सेल्सियस के आसपास। ये सिंपल सा रिएक्शन है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से प्रोसीड करता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। इसमें कुछ ज्यादा बात करनी नहीं पड़ेगी, जैसे हम यहाँ पे एक जनरल एल्डिहाइड ले लेते हैं, जनरल कीटोन जो चाहो, एल्डिहाइड ले लिया, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच जनरल एल्डिहाइड, भाई आर की जगह सी एस टी लगा दो तो एसिड एल्डिहाइड, एच लगा दो तो फॉर्मेल्डिहाइड वगैरह वगैरह। अब क्या करना है, इसका रिएक्शन कराना है आपको प्लस एच टू इन द प्रेजेंस ऑफ, जैसे निकल ले लिया फॉर एग्जाम्पल 200 डिग्री सेल्सियस, क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ एक यहाँ जुड़ जाएगा, यानी आर सी एच टू ओ एच, हाइड्रोजन के एटम का या हाइड्रोजन वाले बॉन्ड का भी होमोलिटिक फिशन, एच एच का भी होमोलिटिक, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एच डॉट एच डॉट, एक एच डॉट इससे जुड़ गया, एक एच डॉट इससे जुड़ गया, काम खत्म हुआ, खत्म, यही तो है। एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक एच डॉट इससे जुड़ गया, एक एच डॉट इससे, आर सी एच टू, सिंपल, नोट कर लें, ठीक है। अब बात करते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरॉन हाइड्राइड, दोनों का मैकेनिज्म 100% सेम होता है, आइए देखते हैं उसको, पॉज करके नोट कर लें इसको, छाप लिया, आगे बढ़े। नेक्स्ट इज मैकेनिज्म ऑफ LiAlH4 और NaBH4, ये मिटा लो, हेडिंग वगैरह। नेक्स्ट इज मैकेनिज्म ऑफ देखो मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अच्छे सवाल मैंने कई बार बताया मैकेनिज्म से ही होते हैं, LiAlH4 और NaBH4, सोडियम बोरॉन हाइड्राइड लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस, जो मैं बोल रहा हूं नोट कर लो, इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस। अब देखो क्या होगा, पहले तो ये समझो ये काम क्या है इनका, देखो ये हाइड्राइड डोनर है, प्रोटॉन डोनर नहीं, हाइड्राइड डोनर, जैसे क्लोराइड होता है Cl-, फ्लोराइड होता है F-, ऑक्साइड होता है O2-, वैसे ही हाइड्राइड होता है H-। देखो कैसे बनेगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से बना लिथियम का आयन प्लस AlH4- का आयन, अब ये AlH4- का आयन एक H- लूज करके स्टेबल AlH3 बनाएगा एल्युमिनियम हाइड्राइड। भाई आपको पता है एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, तो एक H- को बाहर फेंक दिया, क्या डोनेट करना चाहते हैं ये, हाइड्राइड देना चाहते हैं। तो ये बात आज से पकड़ लो कि LiAlH4 हो या NaBH4 हो, इनका काम क्या है, हाइड्राइड सप्लाई करना H-। NaBH4 को देखना चाहो सेम कहानी, NaBH4 विल गिव Na+ आयन एंड BH4- आयन, फिर BH4- आयन विल गिव UH- प्लस BH3 बोरॉन ट्राइहाइड्राइड, इसने भी हाइड्राइड आयन दिया, तो दोनों का काम है हाइड्राइड आयन सप्लाई करना, यानी ये रिएक्शन हाइड्राइड आयन से होगा। अब देखो मैकेनिज्म बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ एक जनरल एल्डिहाइड ले लें, जनरल ले लें या कोई बोल दो तो वो ले लें, हम एक जनरल फॉर्मूला वाला ले लें, आर सी डबल बॉन्ड OH, कीटोन भी ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, पहले स्टेप में अटैक कराया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का, तुम चाहो तो सोडियम बोरॉन हाइड्राइड का कराओ, काम तो एक ही है, दोनों का काम एक ही है H- सप्लाई करना। ये H- कहां जाएगा, देखो
अब ये C डबल बॉन्ड O में एक पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड थोड़ा वीक होता है, ऑक्सीजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये पोलर बॉन्ड होगा। बात समझ में आ रही है? ऑक्सीजन पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा अपनी तरफ खींचता रहेगा, यानी इस कार्बन पे थोड़ा सा पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे थोड़ा सा नेगेटिव, यानी ये हाइड्राइड आयन किसकी तरफ आना चाहेगा? इस कार्बन की तरफ। कहानी फिर से सुनो, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड है जो कि स्ट्रॉन्ग होता है, तो पाई बॉन्ड है जो कि वीक होता है, तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच के यहाँ पे थोड़ा सा डेल माइनस, यहाँ पे थोड़ा सा डेल प्लस डेवलप होगा। एच माइनस इस डेल प्लस को देख के ललचा जाएगा और यहाँ जाके अटैक करना चाहेगा। जब ये कहेगा कार्बन हम तुमसे जुड़ना चाहते हैं, तो कार्बन को अपने पुराने बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे और कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन के सामने आएगा, आर सी ओ माइनस एक तो एच। देखो जैसे ही ये बॉन्ड टूटा, ऑक्सीजन पे माइनस आया और कार्बन पे प्लस आया, एच माइनस जुड़ गया कार्बन से और प्लस चार्ज खत्म हो गया। बोलो समझ में आया? ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, एच माइनस जाके जुड़ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे, एच प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ एच टू ओ, या वाटर के में एच प्लस डाल दिया, एच प्लस के आयन, एच प्लस के आयन डेफिनेटली इस ऑक्सीजन से अट्रैक्ट हो जाएंगे और यहाँ जाके जुड़ जाएंगे, तो हमको मिलेगा आर सी एच टू ओ एच, RCH2OH का स्ट्रक्चर बना दें। RC कैसे बना था? HHOH, बोलो सही। ये हो गया इसका मैकेनिज्म। यहीं पे NaBH4 भी यूज कर सकते थे, NaBH4 और LiH4, दोनों का काम क्या है? हाइड्रेट आयन देना। अब इसमें खास बात क्या है सर? देखो दो खास बात है। पहली चीज तो ये समझ में आया कि दो एच एटम इन्वॉल्व है, एक एच एटम गया कार्बन पे, एक एच एटम गया ऑक्सीजन पे, बड़ा सिंपल था। एक एच एटम गया कार्बन पे, एक एच एटम गया ऑक्सीजन पे। इंपॉर्टेंट बच्चों इसमें ये है कि कार्बन को एच दे रहा है ये रिएजेंट, और ऑक्सीजन को एच मिल रहा है आपके इससे, एच प्लस ओवर एच टू ओ से। ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से, एच एटम लिख लो ऑन कार्बन कम्स फ्रॉम LiAlH4 और NaBH4, while H atom on oxygen atom, या on oxygen लिख लेते हैं, comes from H plus over H2O, या ऐसे लिखा होगा कई बार H3O plus। अब इसकी सर इंपॉर्टेंस क्या है? अभी तीन चार रिएक्शन कराते हैं, समझ में आएगा। पहले मैकेनिज्म नोट कर लेंगे, छाप लेंगे इसको एकदम लाइट की स्पीड में, छाप डाला सेल, हो गया। मैंने प्यार तुम्हीं से किया है, मैंने दिल भी तुम्हीं को दिया है, छाप लिया, ओके। अब चाहे जो हो जाए मैं दुनिया से अब न डरूं, तुम्हीं से मैं प्यार करूं। अच्छा बोर्ड रिजल्ट खराब आएंगे तब ये दोनों मिलके क्या करेंगे? दोनों मिलके दो हाइड्रोजन के आइटम देंगे, काम खत्म। ज्यादा अंदर जाना ही नहीं है अपने को। एक एच एटम ये देगा कार्बन को, एक एच एटम ये देगा ऑक्सीजन को, खेल खत्म। क्या बन जाएगा? CH3CH3OH, खेल खत्म। अरे भाई यहां से एच माइनस निकलेगा, कार्बन पे जुड़ेगा, ऑक्सीजन पे माइनस आएगा, फिर यहां से एच प्लस जाके ऑक्सीजन पे जुड़ेगा, इस पे कौन आएगा? यहां से एच माइनस ये जाएगा कार्बन पे, और इस पे कौन आएगा? यहां से बोलो बोलो सच्चे दरबार की जय, और ये H प्लस जाएगा ऑक्सीजन पे। सांप सीढ़ी का गेम हो गया, मिटा दे इसको। बोलो बात समझ में आ गई कि LiH4 से जो H माइनस जा रहा है वो कार्बन की तरफ, और H3O प्लस से जो हाइड्रोजन जा रहा है वो ऑक्सीजन की तरफ। LiAlH4 इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस। अब देखो इस पे अच्छा सवाल क्या बन सकता है, जरा ध्यान से देखना। CH3C double bond OH, देखो यहां से देखो, LiAlH4 in the presence of ether, first step, second step में जो hydrolysis किया D3O plus से कर दिया,
D3O+ से कर दिया, हाइड्रोजन की तरह हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम आ गया। अब क्या होगा? अब देखो यहां से जो H- निकलेगा वो तो कार्बन से जुड़ेगा ही, CH3C ये क्या है H H, और यहां तो छोड़ो, हां यहां से जो H निकला वो तो इसी पे जुड़ा। अब O पे माइनस लगेगा, बोलो समझ में आ रहा है? यहां से H- निकल के इस पे जाएगा, इसका काम क्या होता है? हाइड्राइड देना, इसने H- दिया, यहां चिपक गया, O पे माइनस आया। अब O- को क्या मिलेगा यहां से? इसमें से क्या निकलेगा? इसमें से D+ निकलेगा, यानी O के साथ D लगेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में चार ऑप्शन होंगे, एक ऑप्शन ये देगा, एक ऑप्शन ये दे देगा, बच्चा कंफ्यूज कि सबको पता है इसमें से दो, दोनों में से हाइड्रोजन, सॉरी ये भी तो सबको नहीं पता, चलो जो अच्छे से पढ़ गया उसको पता है हाइड्रोजन यहां से है कि यहां से, किसका हाइड्रोजन कहां जा रहा है यही तो खेल है, किसका हाइड्रोजन जाएगा कार्बन पे और यहां से हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम जो भी निकला वो ऑक्सीजन पे। सो दिस विल बी करेक्ट, दिस विल बी रॉन्ग। एक ऑप्शन होगा सीधा CH3CH2OH लिख देगा, है ना, एक में दोनों तरफ डी लगा देगा, ऐसे कर देगा। ठीक है, जैसे मान लो ये हम CH3 एरो के ऊपर हमने लिख दिया NaBD4 in the presence of ether और next step पे लिख दिया H3O+। अब बताओ समझ गया होगे, अब की बार यहां से H- नहीं निकलेगा, D- निकलेगा, D- कहां जुड़ेगा? कार्बन पे CH3 और यहां पे O- से, यहां से क्या निकलेगा? H+ जाके इससे लड़ जाएगा। बोलो मैकेनिज्म समझ रहे हो? पहले यहां से D- जाके इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, यहां माइनस आ जाएगा, फिर इस पे H+ आके जुड़ जाएगा। अब इसमें समझ रहे हो ऑप्शन क्या होगा? कहीं भी यहां D, यहां H लगा देगा, दोनों तरफ H लगा देगा, एक तरफ दोनों तरफ D लगा देगा, ऐसे बना सकते हैं। क्लियर हो गया है? चलिए आगे बढ़े, ये चीज समझ में आ गई है, नोट कर लें, छाप लें इसको। इसके बाद लिखें LiAlH4 is a stronger reducing agent than NaBH4. ये सब आता कम है, यही आएगा most probably 99% यही मिलेगा, कभी कभी ये सब दे देगा, मिटा है। अब देखो जैसे कभी, जैसे यही मान लो यहाँ पे एक ग्रुप होता C2H5, तो ये कायरल कार्बन बन जाता, फिर इसका एक आइसोमर भी बनता, पूछता कितने प्रोडक्ट हैं, तो प्रोडक्ट दो हो जाते। LiLH4 is stronger reducing agent than NaBH4. LiAlH4 is stronger reducing agent than NaBH4. क्यों सर ऐसा क्यों? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन देखो, देखो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जो जल्दी हाइड्रोजन दे, किसी चीज को रिड्यूस करना मतलब उसके ऊपर हाइड्रोजन चिपका दो, इसमें से जो आसानी से हाइड्रोजन देगा वो अच्छा है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? जो हाइड्रोजन देके किसी को हाइड्रोजन चिपका दे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऑक्सीजन देके किसी के ऊपर ऑक्सीजन चिपका दे, तो इसमें से जो इजिली हाइड्रोजन दे वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये इजिली हाइड्रोजन देता है। यहां से देखो Li+ निकलेगा, क्या बचेगा? AlH4-, यहां से निकला H- और क्या बचा? AlH3 और BH4-, भाई यहां से Na+ निकलेगा, BH4-, क्या देगा? H- और BH3। अब इन दोनों में से जो रिएक्शन ज्यादा हो रहा होगा वो बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ये ज्यादा होता है। रीजन सुनो, एल्युमिनियम इज ग्रेटर इन साइज देन बोरॉन, भाई सबको पता है एल्युमिनियम नीचे रखा है बोरॉन के, तो बड़ा होगा, है ना, तीन शेल है यहाँ, दो शेल है। अब इससे क्या होगा जरा देखो, ग्रेटर होने से ये रहा एल्युमिनियम का एटम, ये रहा हाइड्रोजन का एटम, ये बॉन्ड देखो थोड़ा लंबा है, मतलब दूर दूर है, इनके न्यूक्लियस दूर दूर है, इतना बढ़िया से अट्रैक्शन नहीं है। और बोरॉन और हाइड्रोजन का जरा बॉन्ड देखो, ये रहा, यानी ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, है ना, बोरॉन छोटा है ना, दो ही शेल है, सो दिस इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, दिस इज वीकर, सो दिस बॉन्ड कैन ब्रेक इजिली एज कंपेयर टू दिस बॉन्ड। इसीलिए एल्युमिनियम हाइड्राइड AlH4- में से H- जल्दी निकलेगा, AlH4- समझ रहे हैं? ऐसा AlH, अरे टेट्राहाइड्रल बनेगा, इसका ज्योमेट्री का देखोगे
एल एच 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 और एक एच पीछे की तरफ कहीं एच और एक एच पे माइनस, तो ये बॉन्ड इजिली टूटेगा क्योंकि इस एल्युमिनियम की साइज बड़ी है और ये बॉन्ड वीक होगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि कई प्लेस पे NaBH4 लिखा होता है, मतलब यूज दोनों कर सकते हैं बट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस यू विल फाइंड NaBH4। रीजन सुनो, LiAlH4 इज मोर कॉस्टली ऑल्सो, इज मोर कॉस्टली, ठीक है। मतलब ये बात नहीं कि सर स्ट्रॉन्ग है तो चलो इसी को लगा देते हैं बढ़िया काम होगा, ऐसा नहीं। ये महंगा भी तो पड़ रहा है, पैसे पे ही तो दुनिया चल रही है बेटा, पैसा इतना नहीं खर्च कर सकते ना, तो हम लोग गरीबों वाला एजेंट उठाएंगे NaBH4। That's why you find NaBH4 written at places. जबकि LiH4 stronger है, but काम इससे भी बन सकता है, ये सस्ता है। चलो इसी से काम करते हैं। बढ़िया रहना, ये stronger है। क्यों बता रहे, भी आगे इस्तेमाल होगा। क्यों stronger है? क्योंकि इसमें से हाइड्रोजन जल्दी निकलेगा। जो हाइड्रोजन जल्दी देगा, वो हाइड्रोजन दूसरे पे चिपकाएगा, वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। भाई कोई रिड्यूस कब होता है? जब उस पर हाइड्रोजन चिपक जाए, तो इसी को तो हाइड्रोजन देना है। ये हाइड्रोजन क्यों जल्दी दे रहा है? इसका साइज बड़ा है, तो ये बॉन्ड वीक है। नोट कर, छाप लिया। एक मस्त सा पॉइंट बताया, एकदम बहुत मस्त था, मिटा दो इसको। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं कौन कर पाता है। पॉज करके सब लोग एकदम सच्चे दिल से इसको करिए, सच्चे दिल से, कोई बेईमानी नहीं करेगा, बेईमानी नहीं, बेईमानी नहीं, बेईमानी नहीं। क्या सवाल, देखो ध्यान से। सवाल देते हैं फिर थ्योरी बताते हैं। CH3CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH, ये मेरे पास एक कंपाउंड है और इसका रिएक्शन हमने कराया H2 ओवर निकल और दूसरी बार कराया LiAlH4 और तीसरी बार कराया NaBH4। अच्छा, NaBH4 LiAlH4 के नीचे ईथर नहीं लिखा है, H3O+ नहीं लिखा है, तो अपने आप मान लेना कोई सॉल्वेंट नहीं लिखा है, तो ईथर मान लेना, और एसिडिक हाइड्रोलिसिस किससे किया नहीं लिखा, तो H3O+ मान लेना, है ना। मतलब इट इज अज्यूम्ड कि है भाई, कई बार नहीं लिखा था तो मान लेना कि ये फॉलोड है। फिर से बोल रहे, कई बार नहीं लिखा होता, आगे हम भी लिखना बंद कर। खैर, ऐसा क्वेश्चन हमें मिला, अब क्या होगा? देखो, ये तो सबको पता है कि सभी इस डबल बॉन्ड को तोड़ के एक हाइड्रोजन यहां दे देंगे। सवाल ये है कि आंसर क्या होगा तीनों के केस में। मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, CH3CH डबल बॉन्ड CH CH2OH, एक हाइड्रोजन इस पे, एक हाइड्रोजन इस पे। दूसरा ऑप्शन क्या है, कहीं आंसर ये तो नहीं CH3CH2CH2CH2OH, ये क्या हुआ? ये डबल बॉन्ड भी रिड्यूस हो गया, एक हाइड्रोजन इस पे, एक हाइड्रोजन इस पे, डबल बॉन्ड टूट गया, एक हाइड्रोजन इस पे, एक इस पे। सवाल ये है, तीनों केस में क्या प्रोडक्ट ये होगा या अलग अलग होगा? सोच के आंसर दो, सोच के आंसर दो। हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और प्लैटिनम और पैलेडियम वगैरह रिड्यूसेस सी डबल बॉन्ड सी एज वेल एज सी डबल बॉन्ड ओ, यानी ये इन दोनों बॉन्ड को रिड्यूस करेगा, यानी यहां कंपाउंड बनेगा CH3CH2CH2CH2OH। चार हाइड्रोजन आए, एक इस पे, एक इस पे, एक ये बॉन्ड टूटा, एक इस पे, एक इस पे, CH3CH2CH2CH2OH। बट LiAlH4 एंड NaBH4 कैन नॉट रिड्यूस सी डबल बॉन्ड सी। ये सी डबल बॉन्ड सी को छुएंगे ही नहीं, सिर्फ सी डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेंगे, प्रोडक्ट बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2OH। ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, एक हाइड्रोजन यहां है, यहां, बट इस पे कोई फर्क नहीं। सेम हियर, CH3CH डबल बॉन्ड CH CH2OH। नोट करें, नोट करें, यहां पे एक तारा भी लगा दे, तारा मतलब कुछ बताएंगे, ये तेरे देखो जिसे भी लगी तेरा, ये तरह तरह तरह। नोट कर लें कि ये तो C डबल बॉन्ड C को भी रिड्यूस करता है, C डबल बॉन्ड O को भी, यानी दोनों में हाइड्रोजन हाइड्रोजन जोड़ देंगे।
बट LiLH4 NaBH4 C डबल बॉन्ड C को इफेक्ट नहीं करते, ठीक है, नोट कर लिया। लिखिए एक्सेप्शन, 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 ये बेटा दे एक्सेप्शन, इसका एक्सेप्शन तारा 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 का ओनली इन केस C6H5 यानी क्या फिनाइल ग्रुप इज अटैच्ड टू सी डबल बॉन्ड सी देन LiAlH4 एंड NaBH4 reduces C double bond C also. Note करें, normal condition में LiLH4, NaBH4, C double bond C को नहीं छूते। पहला rule ये रहा, ये तो छूते हैं, दूसरा rule ये रहा, तीसरा rule ये रहा, 1, 2, 3 कि hydrogen over nickel इसको भी reduce करता है, इसको भी LiLH4 NaBH4 सिर्फ इसको रिड्यूस करता है। एक्सेप्शन क्या है कि अगर कहीं से फिनाइल ग्रुप C6H5 फिनाइल ग्रुप C डबल बॉन्ड C से जुड़ा होता, मतलब यहां पे फिनाइल ग्रुप अगर होता तो LiLH4 और NaBH4 इस C डबल बॉन्ड C को भी रिड्यूस करते। इंपॉर्टेंट बात बताई है, याद रखेंगे इसको। एक तो जो अच्छा पढ़ के आया उसको ये बात पता होती कि ये C डबल बॉन्ड C को नहीं छूते, जो उससे भी अच्छा पढ़ के आया उसको ये पता होता कि ये C डबल बॉन्ड C को एक केस में छूते भी हैं, कब, जब फिनाइल ग्रुप C डबल बॉन्ड C से लगा हो। फॉर एग्जाम्पल C6H5CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH एरो के ऊपर LiAlH4 और NaBH4, बाकी इथर वगैरह समझ लेना। इस केस में ये इसको भी रिड्यूस करेंगे और इसको भी रिड्यूस करेंगे, C6H5CH2CH2CH2OH, इस पे भी हाइड्रोजन, इस पे भी हाइड्रोजन, इस पे भी हाइड्रोजन, इस पे भी हाइड्रोजन, क्लियर। ये थर्ड पॉइंट हो गया। फर्स्ट पॉइंट, ये सबको रिड्यूस कर देते हैं, फिनाइल हो ना हो कोई मतलब नहीं। ये C डबल बॉन्ड C को जनरली नहीं छूते हैं, सिर्फ C डबल बॉन्ड O को रिड्यूस करते हैं। ये C डबल बॉन्ड C को तब टच करते हैं जब C डबल बॉन्ड C से फिनाइल ग्रुप जुड़ जाए, तब ये C डबल बॉन्ड C को भी रिड्यूस करते हैं। आप यहां तक याद रखना, 1% चांस है यहां पे आने का, यहीं पे बात खत्म हो जाती है, क्लियर है, छाप लें इसको, मिटा जाए फिर। यहाँ पे LiLH4, NaBH4, हाइड्रोजन का प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम, प्लैटिनम, ये सब खत्म होता है। पॉज करके नोट करें, नोट कर लिया। चंद के चाचा ने चंद की चाची को चांदी के चमचे से चीनी चखी, चंद के चाचा ने चंद की चाची को चांदी के चमचे से चटनी चटाई। सिमिलर रिडक्शन लिखें, सिमिलर रिडक्शन कैन बी ऑब्टेन विथ एनए ओवर सी टू एच फाइव ओ एच। एक रिएजेंट ये भी था, ये हम बताना भूल गए, इसको अलग से बताते हैं, भूले नहीं थे मतलब। इससे भी आप रिड्यूस कर सकते हैं एल्डिहाइड और कीटोन को। मिसाल के तौर पे हम यहां एल्डिहाइड लेते हैं, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, क्या देंगे इसको हम, दो हाइड्रोजन देंगे, एरो के ऊपर लिखा रहेगा Na इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, अल्कोहल लिखा हो सकता है सीधा सीधा। क्या होगा, रिडक्शन होगा आर सी एक एच इस पे एक एच इस पे एक एच इस पे एक एच इस पे अल्कोहल बन जाएगा। ऐसे पर्टिकुलर रिएक्शन को यहां पे एल्डिहाइड भी हो सकता है, यहां पे कीटोन भी हो सकता है। ऐसे पर्टिकुलर रिएक्शन को हम बोलते हैं बोविल्ट ब्लैंक रिडक्शन, बी ओ यू बुआई, बोविल्ट वी ए यू एल टी ब्लैंक रिडक्शन। मेरी इंग्लिश आपको पता है, यूके से है,
यूनाइटेड किंगडम, उत्तराखंड, बोवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन, बोवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन, CH3C डबल बॉन्ड OH, दो हाइड्रोजन के एटम इसको दे दो प्यार से, कौन देगा Na इन द प्रेजेंस ऑफ C2H5OH, क्या बन जाएगा CH3CH2OH, एक हाइड्रोजन इस पे, एक हाइड्रोजन इस पे। इसका मैकेनिज्म कैसा होता है, ये मैकेनिज्म देख लें इसका, बोवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन का मैकेनिज्म, CH3C डबल बॉन्ड OH, ये सोडियम का जो एटम है ये देगा Na प्लस और एक इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज दिखेगा, वहीं भागेगा, ये बॉन्ड थोड़ा सा पोलर होगा, है ना, दिस बॉन्ड विल बी स्लाइटली पोलर, ये तो यहां से ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन भी और कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी लेकर गया, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, सुनो ध्यान से सुनो, एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में, एक कार्बन का, तो ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर गया, कार्बन का तो एक ही गया, कार्बन के ऊपर एक प्लस चार्ज आना चाहिए पर नहीं, ये इलेक्ट्रॉन जाकर कार्बन को मिल गया और कार्बन पे प्लस चार्ज नहीं आया, CH3CO-H, और यहां पे डॉट लिख दें फ्री रेडिकल जैसा, हमको भी नहीं आया सर ये बॉन्ड टूटा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दोनों लेके चला गया इस बॉन्ड के, अपना भी और कार्बन का भी, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन गया तो वो एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो ना प्लस आएगा ना माइनस, एक डॉट लगा दिया फ्री रेडिकल जैसा, फिर क्या हुआ, फिर यही प्रोसेस रिपीट होगा, Na से फिर एक Na प्लस और एक इलेक्ट्रॉन निकला, ये इलेक्ट्रॉन चला गया इस कार्बन पे, आप बोलोगे इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन क्यों आया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी होता है फ्री रेडिकल, सात इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 1 2 3 4 5 6 7, और हर कोई चाहता है 8 इलेक्ट्रॉन रखना, तो ये इलेक्ट्रॉन भी इसको मिल जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन मिलते ही बनेगा CH3CO पे माइनस, और इस पे भी माइनस आ जाएगा, भाई दो इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, माइनस डॉट डॉट, अरे यार वो ऑलरेडी कैसा है इस टाइम न्यूट्रल, एक इलेक्ट्रॉन और दे दोगे तो एक माइनस चार्ज आ गया, अब इसको C2H5OH मिला, ये यहां पे प्रोटॉन डोनर का काम कर रहा है, है ना, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का प्रोटॉन दे सकता है, तो यहां से H+ निकला, पहले मिलेगा कार्बन को CH3CO-H इसको मिला, और यहां पहले कार्बन को क्यों मिला, इस पे भी सवाल उठ सकता है, पहले ऑक्सीजन को क्यों नहीं दिया, एक कार्बन पे माइनस चार्ज इज मोर अनस्टेबल, ऑक्सीजन पे चल सकता है, कार्बन पे बहुत बहुत अनस्टेबल है अगर आप उसको नेगेटिव चार्ज देते हो, फिर क्या होगा, फिर से C2H5OH, फिर से ये बॉन्ड टूटा, ये H+ इस बार जाके ऑक्सीजन को CH3CHHOH, देखो बन गया इथेनॉल, बोलिए मैकेनिज्म क्लियर है, एक H यहां से, एक H यहां से, दो H के, बोवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन, एल्डिहाइड भी ले सकते हो, कीटोन भी ले सकते हो, कीटोन लेते तो यहाँ पे CH3 लिखा होता पूरे मैकेनिज्म में, यहाँ पे CH3 आ जाता, कीटोन से क्या बना था 2 डिग्री एल्कोहल, एल्डिहाइड से 1 डिग्री, वहां CH3 लिखा होता कीटोन के लिए, कीटोन पता है ना CH3CO CH3 एसीटोन, और भी कीटोन हो सकते हैं, तो यहाँ CH3 लिख के चला आता, क्लियर है, तो ये था रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन विद डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट, हमने क्या क्या पढ़ा, हाइड्रोजन ओवर निकल प्लैटिनम वगैरह पकड़ा, LiLH4 पढ़ा, NaBH4 पढ़ा, और सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, नोट कर लें पॉज करके, यहाँ कोई दिक्कत है नहीं, दोनों हाइड्रोजन यहीं से आ रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, इस पे भी हाइड्रोजन इसी से लग रहा है, इस पे भी मिटा दें, मिटा दें, ओके, और कीटोन से प्रिपेयर करना है एल्केन, एल्डिहाइड और कीटोन से एल्केन की तैयारी करनी है, बच्चों एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, जैसे एल्डिहाइड हमारा होगा RC डबल बॉन्ड OH, कीटोन हमारा हो जाएगा RC डबल बॉन्ड OR, R होता है एल्काइल ग्रुप, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल कुछ भी लगा सकते हैं, CH3CO CH3, ऐसे है, यहां से हमें एल्केन की तरफ जाना है, तो एल्केन को हम लिख देंगे RH, ठीक है, हमें एल्केन बनाना है, तो बच्चों यहां से यहां जाने के लिए हमें करना पड़ेगा रिडक्शन, क्या करना पड़ेगा, रिडक्शन करना पड़ेगा इस कंपाउंड का, रिडक्शन, तो हमें चाहिए होंगे रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना, अब सभी रिड्यूसिंग एजेंट से एक काम नहीं हो सकता,
सभी रिड्यूसिंग एजेंट से ये काम नहीं हो सकता। किससे किससे हो सकता है ये देखते हैं। मान लो यहां पे हमारे पास कोई कीटोन है या मान लो कोई एल्डिहाइड है। चलो हमने कीटोन ले लिया, ठीक। एक रिएजेंट जो हम लिख रहे हैं वो है जिंक मरकरी, जिंक एमेलगम बोलते हैं इसको, ओवर कंसंट्रेटेड एचसीएल, ठीक है। एसिडिक मीडियम लिया, जरा ध्यान से देखो कैसा मीडियम है, एसिडिक मीडियम, ठीक है। यहां से बनेगा आर सी आर। अब सुनो, ये डबल बॉन्ड ओ हटा दो और इसकी जगह दो एच लगा दो, देखो बन गया एल्केन की नहीं आर सी एच टू आर, एल्केन ही तो है, कीटोन से एल्केन, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन, रिड्यूस हो गया कीटोन से एल्केन। दूसरा जो हमारे पास तरीका है या जो दूसरा जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो है एनएच टू एनएच टू, इसको बोलते हैं बच्चों हाइड्राजीन, एनएच टू एनएच टू इन अ बेसिक मीडियम, तो हमने KOH ले लिया, देखो पिछली बार एसिडिक था इस बार बेसिक मीडियम, इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकॉल, ठीक है। ग्लाइकॉल यहां पे थोड़ा सा एक्वस रहेगा, पानी भी साथ में रहेगा, पर ग्लाइकॉल यहां पे एक्ट कर रहा है लाइक अ सॉल्वेंट, ठीक है। यहां से भी सेम कहानी, आर सी आर और यहां पे ओ हटा के दो एच लगा दो, यहां से ओ हटा के दो एच, दोनों में ओ हटा के दो एच से, इसको बोलते हैं हम वुल्फ किशनर रिडक्शन, वुल्फ किशनर रिडक्शन। तो ये क्लेमेंसन के लिए रिएजेंट, ये वुल्फ किशनर के लिए, एंड प्रोडक्ट दोनों का सेम, एल्डिहाइड कीटोन से एल्केन, ठीक है ना। अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं, पहले क्लेमेंसन लिखेंगे, आप एक काम करो इसको नोट कर लो जल्दी से, बस इतना ही पार्ट आप अपनी नेम रिएक्शन वाली कॉपी में डालो, कम से कम आपको नाम वाइज याद रहेगा, ये याद रहेगा यहाँ पे एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी, है ना। यहाँ पे मैंने आर लिया है, आप आर की जगह एच लगा लोगे तो एल्डिहाइड बन जाएगा, तो दिस कैन बी एल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन एंड द फाइनल प्रोडक्ट विल बी एल्केन। तो चलिए इसको नोट करें इसको कॉपी करें, मैं हट जाता हूं, ओके कॉपी कर ले, पॉज कर ले, दिखाई पड़ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन, ठीक है। दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस भी है वो भी समझते हैं। क्लेमेंसन रिडक्शन स्टार्ट करें क्लेमेंसन रिडक्शन मिटा दें, ओके ठीक है, पॉज करके नोट कर लिया करो। क्लेमेंसन रिडक्शन एक और रिएजेंट पढ़ना है, रेड फॉस्फोरस ओर एच आई, उसको लास्ट में लेंगे, ठीक है। अभी पहले इन दोनों को समझते हैं। तो क्लेमेंसन रिडक्शन किसमें होता है, एसिडिक मीडियम, ठीक है। अच्छा क्या होगा, यहां कोई एल्डिहाइड है आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, या कोई कीटोन है आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, ऐसे देख लो सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एच एसिटल्डिहाइड, या सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री एसीटोन, ठीक है ना। इसको एसीटोन बोलते हैं, इसको एसिटल्डिहाइड बोलते हैं, सब तो पढ़ लिया है, एसिटल्डिहाइड एसीटोन, ठीक है। अच्छा और यहां एरो के ऊपर क्या लेना है हमको, जिंक एमेलगम, और क्या लेना है कंसंट्रेटेड एचसीएल, क्या लेना है कंसंट्रेटेड एचसीएल, क्या बनेगा आर सी एच थ्री, है ना। देखो आर सी एच है सी एच थ्री, अच्छा ध्यान से देखो यहां से ओ गायब हो गया और दो हाइड्रोजन आ गए, ओ गायब हो गया और दो हाइड्रोजन आ गए, इसमें भी देखो सेम चीज, ठीक है ऐसे लिख देते हैं, सेम रिएजेंट लगाया। अब ध्यान से आर सी एच टू आर, यहां से ओ गायब हो गया दो एच आ गए, यहां से देखो ओ गायब हुआ दो एच आ गए, सेम चीज यहां पे भी कर सकते हैं, ऐसे लगा दिया सी एच थ्री सी एच थ्री, यहां से ओ गायब हुआ दो एच, सेम चीज यहां कर दो सी एच थ्री, यहां बोलो क्या होगा ओ गायब होगा दो एच लगेंगे सी एच टू सी एच थ्री। तो ओवरऑल क्लेमेंसन रिडक्शन में ओ को गायब करके दो एच लगाएंगे। अब अगर इसकी बैलेंस रिएक्शन लिखनी है तो सुनो, यहां पे लिखो प्लस फोर एच, बस बन गया काम, प्लस फोर एच, समझा रहे प्लस फोर एच क्या होगा,
दो एच तो यहां ऐड हो गए, दो एच तो यहां ऐड हो गए, और दो एच ऑक्सीजन को निकालने में यूज हुए, दो एच प्लस ऑक्सीजन प्लस एच टू ओ, यहां दो एच तो इस पे लगे और दो एच ऑक्सीजन को लेके गए प्लस एच टू, यहां पर भी दो एच यहां ऐड हुए, दो एच ऑक्सीजन सर प्लस एच टू ओ प्लस एच टू, ये हो गई बैलेंस्ड क्लेमेंसन रिडक्शन की इक्वेशन, चाहे एसिटल्डिहाइड एसीटोन किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन पे अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन पे, कहां नहीं कर सकते ये भी सिखाएंगे अभी, पहले तो बेसिक समझो ठीक है। सो इट इज अ वे टू कन्वर्ट एल्डिहाइड और कीटोन टू एल्के, क्या करना है, डबल बॉन्ड ओ को हटा के उसकी जगह दो एच लगा दो, ओ गया किसके साथ, दो और एच के साथ, तो फोर एच फोर एच फोर एच लिख सकते हैं ठीक है, नोट कर लो, क्लियर है एकदम, बैलेंस रिएक्शन भी लिख के दिखा दी ठीक है, वरना एरो के ऊपर लिख के ही सीधा एल्केन बना देना, खोना क्या बस याद रखो, यहां से ओ हटा के दो एच लगाना है, ओ हटा के दो एच लगाना है, ओ हटा के दो एच लगाना है, बस ये करना है। अब बात आती है कि सर इसकी मैकेनिज्म क्या है, कैसे हुआ ये रिएक्शन, नोट कर लो फिर बताएं, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये कहानी, क्लेमेंसन रिडक्शन की मैकेनिज्म इज, क्लेमेंसन रिडक्शन की मैकेनिज्म इज येट नॉट फुली अंडरस्टूड ठीक है, हम नहीं कहते साइंटिस्ट बोलते हैं ठीक है, केमिस्ट बोल रहे हैं, अभी भी इसकी मैकेनिज्म 100% क्लियर नहीं पता चली है ठीक है, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि इसकी मैकेनिज्म आपको बताएं ठीक है, पॉसिबल मैकेनिज्म जो किताबें बताती हैं है ना, कुछ किताबें जो क्लेम करती हैं वो हम आपको बताते हैं, मिटा दें इसको अच्छा ठीक है, आप किताबों से देखोगे तो इसका मैकेनिज्म गायब रहता है, कुछ अच्छी किताबों में दिया है और लिख देते हैं क्योंकि ये पॉसिबल मैकेनिज्म, तो आइए जरा पॉसिबल मैकेनिज्म समझते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन का, पॉसिबल मैकेनिज्म ठीक है, तो मैकेनिज्म समझाते हैं, मैं कोई एग्जांपल ले देता हूं, एक पर्टिकुलर किसका ले लूं, कीटोन का ले लूं, एल्डिहाइड का ले लूं, कीटोन का ले लूं, चलो कीटोन का एग्जांपल लेते हैं, सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री ठीक है, क्या होगा पहले बैलेंस रिडक्शन लिख लो, फोर एच एरो के ऊपर जिंक और एच जी कंसेंट्रेटेड एच सी एल, दो एच यहां लग गया सी एच थ्री सी एच टू सी एच थ्री, और दो एच ओ को लेके उड़ गया प्लस एच टू, आइए अब इसका पॉसिबल मैकेनिज्म देखिए, देखिए क्या क्या होता है मैकेनिज्म, सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, यहां आया जिंक का रोल, ध्यान देखो तो ये पाई बॉन्ड थोड़ा वीक बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड की टेंडेंसी होती है जल्दी ब्रेक होने की, ये पाई बॉन्ड इन दोनों में से किसकी तरफ भागेगा, ऑक्सीजन की तरफ भागने की कोशिश कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि जिंक एक अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर मेटल है, एक अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार बैठा है, देखो ये बॉन्ड कैसा है हमारा पोलर है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, ऑक्सीजन के ऊपर डेल माइनस इसके ऊपर डेल प्लस, और जिंक इसको इलेक्ट्रॉन देने को तैयार बैठा है, तो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं इसीलिए ये वाले इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग पॉसिबल है, तो ये इलेक्ट्रॉन गए यहां पे, जरा देखना होगा क्या, जिंक इलेक्ट्रॉन देगा पर जरा पहले समझना क्या होगा तब आपको समझ में आएगा, सी एच थ्री सी सी एच थ्री ओ माइनस ऐसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन गया और सी पे क्या आ गया प्लस, अब सुनना एक्चुअल पे सी पे प्लस नहीं माइनस बनेगा, क्यों, जैसे ही सी पे प्लस बनेगा जिंक दो इलेक्ट्रॉन अपने इसको डोनेट कर देगा, जिंक अपने दो इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन से इसका प्लस चार्ज खत्म होगा और दूसरे इलेक्ट्रॉन की वजह से इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो लास्ट में हम ये लिख सकते हैं, फिर से डबल बॉन्ड टूटा, डबल बॉन्ड टूटा, यहां माइनस यहां पे प्लस आया, प्लस आते ही जिंक ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के टाइम को देना चाहिए और दोनों इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहां पे दिए, एक इलेक्ट्रॉन से पॉजिटिव चार्ज खत्म हुआ और दूसरे इलेक्ट्रॉन को देने की वजह से इसके ऊपर माइनस, तो ये बना, अच्छा अब क्या होगा ध्यान देना ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, अब HCl से 2H+ इस पे अटैक किए, कितने 2H+ इस पे अटैक किए, कितने 2H+ अटैक किए, एक यहां जुड़ेगा एक यहां CH3 C CH3 एक H भाई साहब इससे जुड़ गया और एक एच ओ से जुड़ गया, बोलो सही बना है सी, एक ओ से जुड़ गया एक सी से जुड़ गया, यहां तक हम पहुंच गए कहानी लेके, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, देखो एक एच वहां जुड़ गया एक यहां, अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में,
अब क्या होगा कि एक H प्लस आया और H प्लस, भाई यहां पे अभी हमारे पास कंसिडर्ड HCl है, एसिडिक मीडियम है, H प्लस आया किसको देख कर आया, H प्लस आया इसको देख के, बेस को देख के, OH को देख के, और ये H प्लस जाकर यहां पे अटैच हो गया तो बना CH3 C CH3 H OH और यहां लग गया H प्लस, ठीक है ना, ठीक है ना। अच्छा अब आप जानते हो जब भी ये स्पीशी बनती है तो यहां से वाटर का रिमूवल होता है, वाटर का रिमूवल कैसे होगा भाई, इसके ऊपर प्लस चार्ज है तो यहां से इलेक्ट्रॉन लेकर ये रिमूव हो गया तो बना CH3 C CH3 H, ऐसे लिख लो CH3 C CH3 H और इसके ऊपर प्लस क्या निकल गया माइनस H2। देखो इसके ऊपर प्लस था तो इलेक्ट्रॉन खींच लिया, प्लस चार्ज खत्म, और इलेक्ट्रॉन कार्बन में खींचा, कार्बन में प्लस आया। अब इस कार्बन में जैसे ही प्लस आएगा फिर से जिंक इसको दो इलेक्ट्रॉन देगा, पहले इलेक्ट्रॉन से प्लस चार्ज खत्म हुआ, दूसरे से इस पे माइनस चार्ज आया तो CH3 C CH3 H और इसके ऊपर आ गया माइनस। माइनस आते ही एसिडिक मीडियम होने की वजह से इस पे एक और H प्लस अटैक किया CH3 C CH3 एक H और एक और H CH2 बन गया अपना एल्केन CH3 CH2 CH3। ये है इसकी पॉसिबल मैकेनिज्म, आई रिपीट पॉसिबल मैकेनिज्म, दिखाई पड़ रही पूरी, नोट करें इसको। पहले क्या हुआ पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग हुई, हो गया माइनस सी पे प्लस आया, फिर जिंक इलेक्ट्रॉन दे दिए तो एक इलेक्ट्रॉन से प्लस खत्म हुआ, एक इलेक्ट्रॉन से फिर माइनस आया, फिर दो एच प्लस आया, एक इस पे लगा एक इस पे लगा, फिर एसिडिक मीडियम में बेस को देख के वो तड़प गया, तड़प गया, एच प्लस आया अटैक करने, ओ पे अटैक किया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, फिर उन्होंने कहा चलो इलेक्ट्रॉन लेके हम बाहर निकल लेते हैं, H2 के फॉर्म में बाहर निकला, सी पे प्लस आया, फिर जिंक में फिर इलेक्ट्रॉन दिए, इस पे माइनस आया, एसिडिक मीडियम से एच प्लस अटैक किया। ध्यान से देखो मैंने कितने एच प्लस यूज किए, दो तीन चार एच इसमें यूज किए, क्लियर है। ध्यान से देखो पूरे रिएक्शन में कितना एच टू ओ निकला, कितना एच टू ओ निकला, एक पूरा एच टू, और कितना एल्केन बना, एक पूरा है। क्लियर हो गई इसकी मैकेनिज्म, एसिडिक मीडियम में इसका मैकेनिज्म होता है, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब कई लोग बोल रहे हैं ये सीएल का क्या होगा, यहां से चार एच सीएल से चार एच प्लस, तो सीएल भाई जिंक से कंबाइन कर लेगा, जिंक जब अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा बच्चों तो ये बन जाएगा कि नहीं Zn2+ प्लस दो इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही तो दो इलेक्ट्रॉन देगा Zn2+ प्लस, यहां से भी Zn2+ प्लस यहां से भी बनेगा, यहां से है ना, समझ में आ रहा है, चार इलेक्ट्रॉन दो इसने दिए, दो इसने दिए, टू Zn+ प्लस, कितने सीएल है, चार सीएल माइनस है तो निकल जाएगा टू Zn सीएल2, ठीक है, उसको हम बैलेंस रिएक्शन में शो नहीं करते। क्लियर है, क्लियर है, मिटा दें, मिटा दें, ओके। ऐसे ही एल्डिहाइड का भी हो जाएगा, उसमें सी एच थ्री सी और यहां पे एच लगा दें, बस भाई एल्डिहाइड कीटोन में एक तो डिफरेंस है, यहां पे एच लगा दो तो एल्डिहाइड। तो ये हो गया क्लेमेंसन रिडक्शन का मैकेनिज्म, ठीक है ना, ठीक है ना। किस लिए यूज होता है, एल्डिहाइड कीटोन से एल्केन बनाने, सही है। जैसे मान लो आपको दे दें टिंग 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 डिंग डिंग टिंग डिंग डिंग, ऐसे लिखते एग्जाम में जिंक एच जी ओवर कंसेंट्रेटेड एच सी एल, बोलो क्या होगा, कुछ मत सोचो, यहां पे डबल बॉन्ड ओ है इसको हटा के दो एच लगा दो, ठीक, आपको पता है एच तो शो भी नहीं किया जाता, ठीक है। तो देखो जहां पे अपना कीटोन या एल्डिहाइड वाला पार्ट था उससे एल्केन बन गया। अच्छा देखो इसी में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो सारी किताबों में दिया हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, सुनना ध्यान से। मान लो ये लिखा है, ठीक है, एक एडिशनल फंक्शनल ग्रुप इसमें मैंने लगा दिया, कौन सा, OH फंक्शनल ग्रुप। अब क्या होगा, क्या इसको भी रिड्यूस करके एल्केन बना देगा, मतलब क्या होगा, क्या इसको भी रिड्यूस करके एल्केन बना देगा या इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, सॉरी वेरी सॉरी, इसको तो रिड्यूस ही करेगा एल्डिहाइड वाले ग्रुप को, इसको तो रिड्यूस करके एल्केन बना दिया, तो क्या इसको भी एल्केन बनाएगा या इसके ऊपर कोई असर
नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा इसको ये बात याद रखनी चाहिए कि ये एसिडिक मीडियम में हो रहा है। अगर आप इसका मैकेनिज्म थोड़ा बहुत भी बिलीव करो तो कहीं ना कहीं एच प्लस इन्वॉल्व है। तो बच्चों इसको तो रिड्यूस करेगा ही करेगा, ये तो होना ही होना है। प्रॉब्लम बस रही इसके साथ क्या होगा, सुनो दोनों ही गलत है। क्या होगा कि H प्लस यहां से आकर इस पे जुड़ना चाहेगा, भाई बेसिक दिख रहा है, इसके साथ तो जो करना था कर दिया, इसके साथ तो जो खेल होना था वो हो गया, O निकल कर 2H लग गया। बात कैसी यहां पे क्या होगा, तो यहां पे H प्लस आया, इस पे लगा H प्लस। अच्छा जब इस पे H प्लस लगता है तो क्या होता है, ये यहां से बाहर निकलना चाहता है, ठीक है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन खींच कर ये बाहर निकल गया। जब ये इलेक्ट्रॉन खींच के बाहर निकलेगा तो यहां पे प्लस आएगा, और यहां पे हमारे पास एनायन कौन सा है, सीएल माइनस, तो यहां पे लग जाएगा सीएल, ठीक है। तो ओएच का रिमूवल भी होगा और सीएल का यहां पे इन्वॉल्वमेंट भी होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसका पूछा जाता है, ये इसी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ओएच लगा दिया तो इसको रिड्यूस करना है कि नहीं, रिड्यूस कर दिया तो भी गलत है। फिर से एच प्लस आया यहां अटैक किया, इसने इलेक्ट्रॉन खींचा, यहां पर प्लस आया, सीएल माइनस यहां पर अटैच हो गया। क्योंकि ये एसिडिक मीडियम है तो ये बेसिक वाले ग्रुप्स से रिएक्ट करता है, ये ग्रुप बेसिक है कि नहीं, बेसिक वाले ग्रुप से ये रिएक्ट कर जाता है, क्लियर है। जैसे मान लो इसको मिटा दे, इसको मिटा दे, जैसे मान लो मुझे ये लिख के दे दे, ध्यान से, जैसे मान लो मुझे ये लिख के दे दे, ए ए ए ए ए, बताओ क्लेमेंसन रिडक्शन पता है क्या बनेगा, बताए ऊपर क्या होगा, रिड्यूस होके एल्केन बन जाएगा, गया और OH की जगह यहां CH बन जाएगा, वहां तो डबल बॉन्ड हो हटा और 2H लग गया और यहां पे CL लग गया। तो जहां पे भी बेसिक ग्रुप अगर कोई अटैच है तो उससे ये रिएक्शन करना चाहते हैं बिकॉज ये एसिडिक मीडियम है, ठीक है ना। जैसे इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है, ध्यान से देखना, CH3C डबल बॉन्ड O CH2COOH मान ले दिया और इससे रिएक्शन करा दिया जिंक ओवर Hg ओवर कंसेंट्रेटेड HCl। सबको पता है कि यहां से तो डबल बॉन्ड ओवर हट जाएगा और यहां पे H लग जाएगा। इसके साथ क्या होगा, इसके साथ क्या होगा, सबको ये तो पता है, ये पहला वाला क्या होगा, CH3C यहां से डबल बॉन्ड को हटा और दो H लग गया, आगे CH2, ठीक है ना। ये लास्ट वाले कार्बन के साथ क्या होगा, लास्ट वाले कार्बन के साथ कुछ भी नहीं होगा। अरे क्यों नहीं होगा भाई साहब, ये खुद ही कैसे दे, तो एसिड एसिड से थोड़ी ना रिएक्ट करने वाला है, ये तो बेसिक ग्रुप था इस बेस से रिएक्ट किया। तो अगर एसिडिक ग्रुप लगा है कीटोन या एल्डिहाइड के साथ तो उस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर कोई बेसिक ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसमें क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, OH- बाहर निकल जाएगा, Cl- अंदर चला जाएगा। नोट कर लें, यही यहां से सवाल पूछा जाता है, ये वाला सवाल यहां से पूछा जा सकता है, ठीक है ना, क्लेमेंसन रिडक्शन का। जैसे इसी में एक फेमस सवाल और है, जैसे ये एक बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है, ये भी समझो, दिस इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, है ना, रिडक्शन लिखा ही हुआ है, दिस इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, बहुत ही मस्त रिड्यूसिंग एजेंट है। तो कहां पे बताऊं, नोट कर लो फिर बताता हूं, एक और रिएक्शन इसका फेमस है, यहां बता दे। अच्छा क्या है कि मान लो यहां पे NO2 ग्रुप लगा है तो ये NO2 ग्रुप को रिड्यूस करके NH2 ग्रुप बना देता है, अमीन, नाइट्रो से अमीन। अब ये कैसे समझे, ये भैया नेक्स्ट ईयर जब नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड पढ़ोगे तो वहां पे हम बताएंगे कि NO2 कैसे NH2 में रिड्यूस होता है। ये क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन वाला अगर देख ले तो आखिरी चैप्टर है, ठीक है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, तो वहां पे समझाएंगे कैसे नाइट्रो ग्रुप NH2 में रिड्यूस होता है, ठीक है। तो ये सब बातें थोड़ी बहुत याद रखें कि NO2 को NH2 में रिड्यूस करता है, OH की जगह अपना Cl लगा देता है और एसिड के साथ कोई छेड़खानी नहीं करता, मिटा दे। So, क्लेमेंसन रिडक्शन को हम यहीं पे फुल स्टॉप लगाते हैं और एक बार फिर से सभी लोग क्लेमेंसन रिडक्शन की एक बैलेंस इक्वेशन लिख के पुरानी बातों को याद करके इसको खत्म करते हैं। CH3C डबल बॉन्ड OH मान लो एल्डिहाइड है, कितने H लेंगे, चार H लिख देंगे, एरो के ऊपर लिखेंगे जिंक Hg कंसेंट्रेटेड HCl, O हटा यहां पे दो H लगे और दो H O के साथ निकल गए H2, ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब चलते हैं वुल्फ किशनर रिडक्शन की तरफ, वुल्फ किशनर रिडक्शन सिमिलर है, वुल्फ किशनर रिडक्शन,
वो फंक्शनल रिडक्शन। बच्चों ये होता है बेसिक मीडियम में, यही डिफरेंस है दोनों में, ये होता है बेसिक, बाकी कहानी सेम है। एल्डिहाइड कीटोन से एल्केन ये भी बनाते हैं, जैसे मान लो आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, मान लो एल्डिहाइड दे दिया, एरो के ऊपर बोलो एनएच टू एनएच टू, साथ में के ओ एच, है ना, बेसिक मीडियम चाहिए, एनओ एच भी हो सकता है, ठीक है, साथ में ग्लाइकॉल, ये बन गया मेरा सॉल्वेंट, ठीक है, और एक्वस है, पानी भी प्रेजेंट है साथ में, ठीक है, अच्छा मॉइस्ट भी बोल सकते हैं। क्या होगा क्या होगा क्या होगा, यहां से ओ हटा के दो एच लगा दो आर सी एच थ्री, ओ हटा के दो एच लगा दो आर सी एच थ्री, कीटोन होता तो भी सेम रिएक्शन करता, यहां पे कीटोन होता आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, तो ओ हटा के दो एच लगा दो आर सी एच टू। अच्छा इसकी बैलेंस रिएक्शन लिखने की कोशिश की जाए, देखो इसकी बैलेंस रिएक्शन कैसे लिखते हैं, कैसे बताएं, एग्जांपल से बताएं, असल में ये तुम पूरा पढ़ोगे नेक्स्ट ईयर एल्डिहाइड कीटोन में, है ना, ये सी डबल बॉन्ड ओ का रिएक्शन, सी डबल बॉन्ड ओ का रिएक्शन है, इसका पूरा डिटेल मैकेनिज्म तो हम नहीं समझा सकते क्योंकि सी डबल बॉन्ड ओ के रिएक्शन इस साल तो है नहीं, नेक्स्ट ईयर है अपने कार्बोनिल कंपाउंड, इनको हम कार्बोनिल एल्डिहाइड और कीटोन को हम कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं, ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर आपका एक चैप्टर यहीं पे है एल्डिहाइड कीटोन्स बेंजल्डिहाइड, ठीक है, एसिटोफिनोन, तो वहां पे हम लोग सी डबल बॉन्ड ओ की बहुत रिएक्शंस पढ़ेंगे, बहुत रिएक्शन, हल्के फुल्के नहीं, बहुत रिएक्शन पढ़ेंगे सी डबल बॉन्ड ओ के, इनका रिएक्शन इनके साथ इनके जैसे बहुत से रिएजेंट दिखने वाले हैं, ठीक है, ये एक फेमस रिएक्शन है, इसे दिखाते हैं बेटा, देखो कैसे होता है, थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूं कि आपको फील दिलाऊं कि क्या है रिएक्शन। पहली बात, अगर आप बैलेंस रिएक्शन लिखना चाहते हो तो कैसे लिखोगे, जैसे मान लो एल्डिहाइड लिया सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड, ऐसे लिखो इसको सी एच थ्री C डबल बॉन्ड ओ एच, ऐसे लिखो, देखो साथ में लो NH2 NH2, देखो कैसे लिखा है NH2, ध्यान से H इस तरह, इसको बोलते हैं हाइड्राजीन, क्या बोलते हैं हाइड्राजीन, हाइड्राजीन, देखो क्या होगा, ध्यान से ध्यान से, एरो के ऊपर लिख लो के ओ एच, अभी और डिटेल मैकेनिज्म बताएंगे, पहले बैलेंस रिएक्शन कैसे लिखते हैं, बैलेंस रिएक्शन, यहां से निकला H2O, देखो इसलिए मैंने NH2 इस तरह से बनाया था H2O, कोई 12th क्लास का बच्चा देख रहा होगा ड्रॉप बियर का तो समझ गया होगा क्या कहानी है, सब बहुत ही फेमस रिएक्शन, यहां से निकला H2O और ये ग्रुप जाके इससे जुड़ गया CH3CH, ये ग्रुप जाके सीधा इनसे जुड़ा डबल बॉन्ड NNH2, ठीक है, अब इसको यहां पर बना नहीं रहा, इसको हाइड्राजोन बोलते हैं, देखो अभी क्या होगा, यहां से H2O निकला और दो एच आके यहां लगा दो, पहले बैलेंस रिएक्शन लिखते हैं CH3 CH3 O हटा दो एच लगाया बचा NN तो लिख दो N, ये तो हो गई बैलेंस रिएक्शन, कंफ्यूज हो गए, एक जरूर कीटोन देख लो, अरे नहीं टेंशन लेना है हम, है ना, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O हाइड्राजीन NH2 NH2 ऊपर KOH एंड ग्लाइकोल, अब देखो देखो ध्यान से देखो O हटा के दो एच लगा दो, O कैसे हटा दो एच के साथ, बचे हुए दो एच यहां लगा दो, एन एन निकल गए एन टू के फॉर्म में और ये क्या निकला एच टू, ये हो गया इसका बैलेंस्ड रिएक्शन, तो अगर बैलेंस रिएक्शन एग्जाम में आता है तो ऐसे लिख सकते हैं, बोलो क्लियर है, ये समझ ले दी अपने को, बैलेंस रिएक्शन लिखना है, ठीक, ये दे दिया आपने को, क्या करना है क्या करना है क्या करना है, प्लस NH2 NH2 एरो के ऊपर KOH और ग्लाइकोल, ठीक है, क्या निकलेगा यहां से H2O, यहां से O हटा के दो H यहां लगा दो, दो H यहां लग गए H2O और साथ में N2 निकला और क्या निकला ये तो ये हो गई इसकी बैलेंस रिएक्शन, बोल क्या कि NH2 NH2 का H2O निकाला H यहां लगा दो निकले, नोट कर ले है कहानी वही पूरी कि डबल बॉन्ड O को हटा के उसकी जगह दो H लगाओ, ठीक है ना, अच्छा इसका मैकेनिज्म देखना है, इसका मैकेनिज्म डिफाइंड है, क्लेमेंसन का अभी तक डिफाइंड नहीं इतने अच्छे से, बताया मैकेनिज्म नोट कर ले, नोट कर ले, अच्छा
चलिए इसका मैकेनिज्म देखते हैं, ठीक है ना। एक एग्जांपल ले लेंगे फिर इसका मैकेनिज्म उसी पे समझेंगे। मैकेनिज्म, चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। CH3 ये सब पता है क्लास ट्वेल्थ में थोड़ा ज्यादा फील होता है, डबल बॉन्ड ओ NH2 KOH और ग्लाइकोल, क्या निकल रहा है यहां से H2O, और क्या निकला N2, और ये दो H जाके यहां लग गए तो CH3 CH2 CH3, ये बैलेंस रिएक्शन है। आइए समझते हैं कैसे कैसे हुआ होगा, ठीक है। तो CH3 C CH3 डबल बॉन्ड O प्लस NH2 NH2, अब ये जो हो रहा है इसका मैकेनिज्म नहीं बता रहा मैं, ये नेक्स्ट पूरा समझाएंगे कि C डबल बॉन्ड O कैसे कैसे रिएक्शन दिखाता है। इसी हमने इस बारे में कोई बात नहीं की अभी तक, तो अभी इस वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे तो बहुत लंबा खींच जाएगा। देखो अभी के लिए तो यही समझो कि यहां से निकला H2O, इसका भी पूरा मैकेनिज्म है कैसे हुआ ये पता है। नाइट्रोजन अपने लोन पेयर लेके यहां पे अटैक करता है, जैसे पिछली बार जिंक इलेक्ट्रॉन दे रहा था, इस बार दोनों इलेक्ट्रॉन यहां मूव करेंगे और नाइट्रोजन जाके यहां छोड़ेगा। अभी छोड़ो, अभी हमने यहां से H2O निकला, क्या निकला, क्या चीज है ये, हाइड्रोजन। अच्छा फिर ये जाके इससे जुड़ गया CH3 C CH3 डबल बॉन्ड NH2, बोलो सही है, वो निकला डबल बॉन्ड N। अब मैकेनिज्म बता रहे, सीधा प्रोडक्ट नहीं बना रहे कि दो ऐसे ही लगाते, मैकेनिज्म बता रहे पूरा, चल रहा है डिटेल, ठीक है। इसको बोलते हैं हाइड्राजोन, कीटोन से बना ना तो हाइड्राजोन, एल्डिहाइड से बनता तो भी हाइड्राजोन ही बोलते हैं, वो ओन वर्ड यूज होता है C डबल बॉन्ड O की वजह से। एल्डिहाइड कीटोन को जब नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे ना तो थोड़ा सा क्लासिकल वे में बातें होती है कि ठीक है यार वो भी एल्डिहाइड भी कीटोन जैसा है। तो हाइड्राजीन जब भी एल्डिहाइड या कीटोन से रिएक्शन करता है तो बनता है हाइड्राजोन, ठीक है। हाइड्राजोन में क्या चीज इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ये कि हाइड्रोजन का ये जो हाइड्रोजन है ये काफी एसिडिक होता है, कैसा होता है, एसिडिक होता है। मतलब कि देखो ऐसे रिएक्शन कराया भी किसने था, बेसिक मीडियम में, मान लो इस पे OH माइनस अटैक किया, कहां से अटैक किया, KOH से, बेसिक मीडियम, वो यहां से H प्लस खींच कर बाहर निकाला H2, यहां से H प्लस खींच के बाहर निकाला H2, देखो फिर क्या बनेगा CH3 C CH3 डबल बॉन्ड NH माइनस, बोलो सही, यहां से H प्लस बाहर निकल गया तो NH माइनस, H प्लस बन गया तो H-. अब ध्यान देखो यहां पे आपको दिख रहा होगा कॉन्जुगेशन, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर, यही तो लोन पेयर ही तो है, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर जो बोले, ये इलेक्ट्रॉन यहां अगर उतरेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इधर भागेंगे, अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं CH3 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 माइनस N डबल बॉन्ड NH, बोलो सही, ये इलेक्ट्रॉन यहां उतरे बॉन्ड बनाए तो ये इलेक्ट्रॉन इधर भाग के यहां पे माइनस लगा दिया कार्बन के ऊपर, ठीक है। अब इस माइनस पर अटैक किया H प्लस, सवाल आता है कि H प्लस कहां से आया, तो मैंने बोला था कि ग्लाइकोल सूखा नहीं, यहां पे मॉइस्ट है, यहां पे एक्वस है, वाटर भी प्रेजेंट है, तो ये H प्लस कहां से आया, वाटर से आया, ठीक है। तो ये H प्लस आके यहां पे अटैच हुआ, क्या बना CH3 CCH3 और लग गया H और N डबल बॉन्ड NH। अब क्या होगा, फिर से इसके ऊपर OH माइनस अटैक किया, इसमें से फिर से क्या निकालेगा इस एसिडिक हाइड्रोजन को, तो क्या निकल गया H2O, क्या बचा CH3 CCH3 H, यहां से क्या निकला H प्लस H2O, देखो क्या बनेगा, ध्यान से N डबल बॉन्ड N माइनस, बोलो सही है, यहां से H प्लस निकालोगे तो इस N पे माइनस आएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां पे उतरना चाहेंगे, ऐसा तब होगा जब ये इलेक्ट्रॉन कार्बन अपनी तरफ खींच ले। अब आप कहोगे ये कैसे पॉसिबल है, कार्बन नाइट्रोजन में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो कार्बन क्यों इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। देखो किसी भी रिएक्शन को कराने के लिए सबसे बड़ा फैक्टर होता है उसकी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, यहां से ध्यान से देखो तो N2 बाहर निकल सकता है, अगर ये बॉन्ड टूट जाए कार्बन इलेक्ट्रॉन N2 बाहर निकल सकता है, और N2 बाहर निकलना किसी भी रिएक्शन के लिए बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है, स्पॉन्टेनिटी बहुत बढ़ती है। तो यहां से N2 बाहर निकलेगा माइनस
एन टू, क्या मैं हटा पाऊंगा इतने में, माइनस एन टू, देखो ये इलेक्ट्रॉन यहां उतरे, इलेक्ट्रॉन इधर गए, एन टू वहां निकल, क्या बना सी एच थ्री सी सी एच थ्री, एक हाइड्रोजन लगा है और साथ में माइनस चार्ज, इलेक्ट्रॉन जो है। अब इस माइनस चार्ज को हटा लेते हैं, फिर से एच प्लस आया, कहां से, सॉल्वेंट से भाई, सॉल्वेंट में पानी नहीं है, एच प्लस आया। अब ये एच प्लस यहां पे जुड़ जाएगा सी एच थ्री सी सी एच थ्री सी एच टू, बहुत ही गंदा, छी छी छी। चलो फिर से कोशिश करता हूं हटाने की, एच प्लस आया, एक मिनट ध्यान से, तो सी एच थ्री सी सी एच थ्री, एक एच पहले से, एक और आया सी एच टू, फाइनली बन गया एल्के। दिस इज द होल मैकेनिज्म फॉर गुल-किशना रिडक्शन, कुछ नहीं आया सर, ध्यान समझो। पहले स्टेप पे क्या, हाइड्रोजन को ऐसे लिखना है, H2 को इधर लेके H2 निकाल दो, फिर ये नाइट्रोजन जाके यहां जुड़ गया, बना हाइड्रोजन। मैंने बोला इसमें ये हाइड्रोजन बहुत ही एसिडिक होता है, और हो किसने रहा है पूरा रिएक्शन, बेसिक मेटल में, तो OH- आया, H+ को खींच लिया, H2O निकला, H+ खींच गया यहां NH-। अब ये देखो किसमें हो गया कॉन्जुगेशन, ये लोन पेयर यहां उतरे, इलेक्ट्रॉन इधर गए, ये माइनस बना, फिर इस माइनस के ऊपर कौन अटैक किया, H+ कहां से आया, वाटर से आया, वाटर कहां है, मीडियम में, H+ इस पे जुड़ गया, उसका ये बना। अब मैंने बोला इसके पास एक और एसिडिक हाइड्रोजन है, तो OH- फिर आया, OH- एक और H+ को खींच के H2O निकाला, इसके ऊपर फिर माइनस आया। अब ये लोन पेयर इधर उतरना क्यों चाहते हैं, क्योंकि N2 निकल सकता है, N2 को निकलना बहुत स्पॉन्टेनिटी बढ़ाता है, गैस गैस निकल रही है, तो ये इधर आया, N2 यहां से निकला और ये इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट हुए माइनस, फिर इसके बाद इसके ऊपर फिर H+ अटैक किया वाटर से और बन गया हमारा एल्केन। ये इसका पूरा मैकेनिज्म है, दिस द होल मैकेनिज्म, और यहां आपने बैलेंस रिएक्शन लिख दी, इसको जोड़ोगे तो यही आएगा, देखो एक ये लिया एक ये लिया, रास्ते में क्या क्या हुआ, एक H2O निकला, एक H2O और निकला, दो H2O निकले और एक H2O निकला, तीन H2O, तो वहां तीन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि दो H2O यूज हुए, ध्यान से, एक OH माइनस एक H प्लस H2O, आगे बढ़ो, एक OH माइनस एक H प्लस H2O, तो दो H2O यूज भी तो हुए, दो निकले, तो देखो एक H2O ये निकला, एक H2O ये निकला, इनको भूल जाओ, इनको वहां नहीं लिखा, सिर्फ इस वाले H2O को वहां लिखा, क्यों, क्योंकि दो H2O यूज भी तो हुए, देखो एक OH माइनस यूज किया, एक H प्लस, एक H2O यूज हुआ, एक OH माइनस एक H प्लस, एक H2O, दो H2O यूज किए, दो निकले तो दो यूज कर लिए, उसको कहां लिखे, ये वाला H2O निकला, इसको लिख दिया, क्लियर है। तो ये बेसिक मीडियम में पूरा रिएक्शन हुआ है, बस ये बात ध्यान रखनी है इसकी, क्लियर है, नोट कर लें, नोट करना हो तो। तो ये था गुल-किशना रिडक्शन, बिठा दे, इसके बारे में हम लोग फिर पढ़ेंगे क्लास में थोड़ा बहुत, जब हम पढ़ लेंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन, तब ये रिएक्शन पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन कैसे बना था। चलिए तो इसकी बैलेंस रिएक्शन वगैरह आपको आ गई, मान लो हम आपको दे दें कि सेम वही कहानियां यहां पे भी दे, पहले इसकी बैलेंस रिएक्शन लिख देखो, क्या लिखोगे, एनएच टू एनएच टू इन द प्रेजेंस ऑफ ध्यान से, ऐसे भी लिखा हो सकता है NH2 NH2 और ये लिख दे OH- और ये बना दे CH2 CH2 OH OH, ठीक है, ये क्या है ग्लाइकॉल, ग्लाइकॉल यही होता है, दो बगल बगल के कार्बन पे OH OH लगा हो, इसी को ग्लाइकॉल बोलते हैं, इसको बोलेंगे इथाइलीन ग्लाइकॉल, इथाइलीन ग्लाइकॉल। कब पढ़ोगे सब, एल्कीन, अभी हाइड्रोकार्बन में एल्कीन आने वाला है, वहां भी पढ़ोगे, बट थोड़ा सा एडिशन रिएक्शन थोड़ा सा आएगा, इथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है। मान लो ऐसा बना के देते हैं, कुछ नहीं करना आपने, डबल बॉन्ड ओ को हटाकर दो दो हाइड्रोजन लगा देते हैं, दोनों का काम एक ही, डबल बॉन्ड ओ को हटा के हाइड्रोजन लगा दो, ठीक है, गुल-किशना रिडक्शन। थोड़ी सी स्पेशल बातें कर ली इसके बारे में भी, गुल-किशना के बारे में भी, ये बेसिक मीडियम में हो रहा है, किसमें हो रहा है, बेसिक मीडियम, किसमें हो रहा है, बेसिक मीडियम में, ठीक है ना, ठीक है ना, बेसिक मीडियम में। तो मान ले जैसे यहाँ पे OH लगा कर दे दिया और बोलता है गुल-किशना कर दिया भैया हमने NH2 NH2, ठीक है, वही 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 के OH, ठीक है, वही 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 ग्लाइकॉल, वही CH2OH CH2OH। अब क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, ये तो रिड्यूस हो गई, बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट, इसको रिड्यूस करेगा, इसको छुएगा, इसको नहीं छुएगा यार, ये खुद ही बेसिक है, ये भी बेसिक है, तो इसको कुछ भी टच नहीं करेगा, हाथ भी नहीं लगाएगा, ठीक है। तो यार क्वेश्चन से थोड़े पॉपुलर है, बताओ इसको टच करेगा नहीं करेगा, ऊपर वाले को हाँ रिड्यूस कर देगा और इसको एज इट इज छोड़ देगा, NO2 को टच करेगा नहीं, ये NO2 को भी टच नहीं करता, मान लिया NO2 लगा दिया, सेम रिएक्शन लिख दिया, सो इट विल नॉट डिस्टर्ब दिस डियर
एनओ टू ऑल्सो. क्लियर है? तो यही इसकी खासियत है. इन दोनों में कंपैरिजन ये पूछा जा सकता है. ये वाला बना के दे देगा, बोलेगा बुल फिश में किया तो क्या होगा, क्लेमेंसन करते तो यहां पे क्या लग जाता, सीएल लग जाता. यही सवाल पूछेगा. क्लियर है? मिटा दें, मिटा दें. ओके अच्छा देखो, वुल्फ किशनर और क्लेमेंसन तो हो गए. यही काम करने का एक तरीका है रेड फॉस्फोरस ओवर एच आई. सेम काम करने का, क्या रेड फॉस्फोरस ओवर एच आई. दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग, भयंकर स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. वेरी स्ट्रॉन्ग, आई रिपीट, दिस इज अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. बहुत ही स्ट्रॉन्ग. एल्डिहाइड की टोन को एल्केन में बनाने के लिए LiAlH4, NaBH4 वो सब यूज नहीं कर सकते. पढ़ा था ना ये सब भी पहले, भूल गए? एल्काइल लाइड के लिए पढ़ा था कि नहीं? वो सब यूज नहीं कर सकते. जैसे देखो एक क्वेश्चन ये आ सकता है, मान लो अपने को ये देखते थे CH3C डबल बॉन्ड OH से बनाना है CH3CH3 एल्डिहाइड से एल्कीन, तो क्या क्या नहीं यूज हो सकता? LiAlH4 नहीं यूज कर सकते, सब रिड्यूसिंग एजेंट है. NaBH4 नहीं यूज कर सकते, ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड नहीं यूज कर सकते. ये सब पढ़ा है ना आपने शुरुआत में, जब एल्कीन का रिडक्शन करते हैं एल्काइल का, ये सब आप यहां पे इस्तेमाल नहीं कर सकते. यहां बहुत बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए. इसके में ये भी नहीं यूज हो सकता, H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और प्लैटिनम पैलेडियम कुछ काम नहीं करेगा यहां पे. ऑल दीज रिड्यूसिंग एजेंट विल फेल. यहां पे वर्क ये सब नहीं करते. यहां पे या तो वुल्फ किशनर लगाओ, या तो क्लेमेंसन लगाओ, या तो रेड फॉस्फोरस ओवर एच आई लगाओ. रेड फॉस्फोरस ओवर एच आई, ठीक है? CH3C डबल बॉन्ड OCH3 क्या लगा दो? रेड फॉस्फोरस ओवर एच आई CH3CH2CH3. ये इतने भयंकर रिड्यूसिंग एजेंट है कि कार्बोनिल कंपाउंड तो नहीं, ये तो कार्बोनिल, कार्बोनिल कंपाउंड ही नहीं, इन्हीं दोनों को कार्बोनिल बोलते हैं. कार्बोनिल कंपाउंड जिसके पास सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, एसिड को नहीं बोलते, उसके पास OH भी आ जाता है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है. कार्बोनिल, सिर्फ कार्बोनिल कंपाउंड को नहीं, एसिड को भी, अगर एसिड भी होता CH3C डबल बॉन्ड OH और आप लिख दो रेड फॉस्फोरस ओवर एच आई, खेल हो जाएगा CH3CH3. वाह, मतलब एसिड से भी सीधा एल्केन बनाने का तरीका ये. ऑल्दो आपने कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन बनाने का दो मेथड हमसे पढ़ा है, डीकार्बोक्सिलेशन, कौन कौन सा? एक सोडा लाइम वाला, एक कोल बेस वाला. डिफरेंस याद है दोनों में? याद है, सोडा लाइम में एक कार्बन कम हो जाता है और कोल बेस में क्या होता है नंबर ऑफ कार्बन की, कोल बेस में कहानी अलग है, फ्री रेडिकल बनता है, कैसे जुड़ेगा इस पर डिपेंड करता है. तो आई होप आपको सारे मेथड समझ में आ चुके होंगे. अगला वीडियो आएगा ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का. तब तक पढ़ाई करते रहें. ऑल द वेरी बेस्ट.